डायरेक्टर अनिल शर्मा इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म गदर 2 की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 520 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इसी बीच एक इंटरव्यू में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा की सर्जरी को लेकर के बात कही है। उन्होंने बताया है कि प्रियंका ने सर्जरी क्यों करवाई थी। बता दें कि इस साल 2003 में प्रियंका चोपड़ा ने अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म द हीरो द लव स्टोरी ऑफ ई स्पाई में काम किया था। उस समय ही एक्ट्रेस ने अपने नाक का ऑपरेशन करवाया था, जिससे उनका चेहरा बदल गया था। अनिल शर्मा की माने तो उस समय प्रियंका को कई प्रोजेक्ट से बाहर भी कर दिया गया था। अनिल शर्मा ने कहा कि उस समय उन्हें प्रियंका की एक तस्वीर दिखाई गई थी, जिसे देख वो उन्हें पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन के बाद प्रियंका का चेहरा बहुत ज्यादा बदल गया था। उन्हें कई प्रोजेक्ट से बाहर भी किया गया था और उनसे साइनिंग अमाउंट भी वापस ले लिया गया था। उस समय प्रियंका अनिल शर्मा के पास रोती हुई आई थी, जिसे देख करके वो हैरान हो गए थे। उस समय अनिल शर्मा ने प्रियंका के साथ खड़े होने का फैसला किया था। आगे अनिल प्रियंका के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा था। मैंने उनके साथ एक फिल्म भी साइन की थी, खुद मेरी पत्नी ने उन्हें जा करके चेक दिया था। गदर रिलीज होने के बाद मैं अमेरिका और यूरोप की यात्रा पर निकल गया था। 2 महीने बाद लौटा तो पता चला कि प्रियंका ने अपनी नाक का ऑपरेशन करवा लिया है। वहां मुझे अखबारों से पता चला था कि प्रियंका ने जूलिया रॉबर्ट्स की तरह दिखने के लिए ये ऑपरेशन करवाया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि वो पहले भी खूबसूरत दिखती थी।